इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रकृति ने हमारे शरीर की बनावट ऐसी बनाई है जिससे कि हम कभी बीमार हों ही नहीं, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी आ जाए तो हम जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जैसे बदलते मौसम के साथ गर्मी के दिनों में जल्दी हम वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, स्किन रैसेज होने लगते हैं, या फिर ठंडी के मौसम में वायरल फीवर हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो। और ये सभी का सबसे बड़ा कारण होता है इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का कारण। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। और अंत में हम जानेंगे एक ऐसी औषधि जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल का निशान बनने पर उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का बॉडीगार्ड होता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से हमारे शरीर में WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिससे कई बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो फिर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में बुखार होना, खांसी होना, सर में दर्द होना, सर्दी लगना, इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी वायरल बुखार होना, स्किन रैसेज होना, माइग्रेन होना जैसी बीमारियों की चपेट में आप जल्दी आ सकते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, जेनाइटल इन्फेक्शन हो, पिंपल्स निकलना, बालों का झड़ना, पेट में दर्द, हाइपरटेंशन और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से नपुंसकता तक की बीमारी हो सकती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो फिर आप बड़े बीमारियों की खतरे में भी पड़ सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का क्या है कारण। जैसे अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं यानी अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, स्मोकिंग करने से भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, एक्सरसाइज नहीं करना, गलत खान पान, कम सोना, ज़्यादा टेंशन लेना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, ये सभी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के मुख्य कारण होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमेशा सही समय पे खाना खाएं, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, खाने में आप विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, आयरन युक्त खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ और फल का इनटेक बढ़ा सकते हैं। डेली कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, किसी भी बात की ज़्यादा टेंशन ना लें। कुछ योगा करने से भी आपके इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी बूस्ट होंगे, जैसे कि अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, कपालभाती, प्राणायाम, ये कुछ ऐसे योगा हैं जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाएगा और इससे भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट होने में काफ़ी मदद मिलेगी। आयुर्वेद में ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी कारगर हैं, लेकिन किसी भी दवाइयाँ लेने से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लेना काफ़ी अहम है और आप किस बीमारी की चपेट में हैं इसे भी जान लेना जरूरी है। आज मैं एक ऐसी औषधि बता रहा हूं जो सभी के लिए काफ़ी कारगर है, यानी महिला, पुरुष या फिर बच्चे कोई भी इसको ले सकते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करेगा। ये है हिमालय कंपनी की च्यवनप्राश। मार्केट में कई सारे ब्रांड्स के च्यवनप्राश हैं और सभी अच्छे हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हिमालय कंपनी की च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। इसे आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर हिमालय स्टोर से ले सकते हैं, लेकिन अगर लेने में परेशानी हो तो मैं इसको परचेज करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सभी जानकारी आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगी होगी। आपकी कोई और समस्या है, कोई और परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान बनने पर उस पर भी क्लिक करें। आगे एक और वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।